सैमसंग 15,000 में सैमसंग गैलेक्सी M14 5G को लॉन्च कर दिया है। कमाल का स्मार्टफोन। इसका डिजाइन देखोगे कहीं ना कहीं सैमसंग गैलेक्सी S23 से मिलता जुलता है। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस यूनिक फीचर्स बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आसान तरीके से यूज कर पाओगे। देखिए, सैमसंग के फोन में गूगल डायलर नहीं है, उसके वजह से कोई भी कॉल को बहुत आसानी से रिकॉर्ड कर पाओगे। सबसे पहले तो डायलर के अंदर आ जाना है, 3 डॉट के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्ड कॉल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर देना, हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। जब आप कोई भी काम वगैरह कर रहे हो, कई बार क्या होता है, कॉल आने के बाद कई बार छोटा स्क्रीन में कॉल आ जाता है, कई बार मिनी विंडो खोल के आ जाता है, तो ये जो चेंजेस है आपको मैनुअली करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से डायलर के अंदर आना है, 3 डॉट के अंदर, यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग के अंदर आ जाना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे स्मॉल पॉपअप का ऑप्शन दिखाई देगा, मिनी पॉपअप का ऑप्शन दिखाई देगा या फुल स्क्रीन है, आपके हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर पाओगे। मैं यहाँ पे स्मॉल पॉपअप को सिलेक्ट करके रखा हूँ और बाय डिफॉल्ट यही आता है। इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए एक बार स्वाइप करना पड़ता है, ब्राइटनेस लेवल दिखाई नहीं देता है, और एक बार स्वाइप करने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारे लोग चाहता है कि एक बार स्वाइप करने से ब्राइटनेस लेवल दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को 3 डॉट के अंदर आना है, क्विक पैनल लेआउट के अंदर यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे जो ब्राइटनेस कंट्रोल दिखाई देगा ना, यहाँ पे शो ऑलवेज करके डन कर देना। अभी देखिए, अगर मैं एक बार स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन दिखाई देगा। ब्राइटनेस के ठीक नीचे यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल और मीडिया आउटपुट का ऑप्शन दिखाई देगा, बाय डिफॉल्ट ये भी बंद कर पाओगे। तो उसके लिए 3 डॉट के अंदर आने के बाद क्विक पैनल लेआउट के अंदर यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट आप यहाँ पे डोंट शो करके डन कर दीजिएगा। अभी स्वाइप करने के बाद देखिए मीडिया वगैरह गायब हो चुका है। इस फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है और हम लोगों को इरिटेटेड करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्लियर ऑन कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो हमने गायब कर दिए, अभी तो उसको आप चेक नहीं कर पाओगे, लेकिन इस फोन में वो पॉसिबल है। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आ जाना है, नोटिफिकेशन के अंदर आना है, एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे ही नोटिफिकेशन को यहाँ पे चेक कर पाओगे। इवन व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी आप लोग यहाँ से चेक कर पाओगे। यहाँ पे टॉप स्क्रीन में देख लीजिए, 3 एप्लीकेशन का आइकन शो करता है जिससे नोटिफिकेशन आया है, लेकिन आप चाहो तो 3 से भी ज्यादा एप्लीकेशन का जो आइकन है वो शो करवा सकते हो। उसके लिए फिर से आप लोगों को सेटिंग के अंदर जाना है, नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पे शो नोटिफिकेशन आइकन 3 मोस्ट रिसेंट है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ नोटिफिकेशन के अंदर आके सिलेक्ट कर देना। देखिए कितना नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ नंबर दिखाई देगा, या तो ऑल नोटिफिकेशन करोगे तो सारे नोटिफिकेशन का आइकन ऊपर में दिखाई देगा। कई बार बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है और इतना बड़ा बड़ा स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, और कई बार क्या होता है कि छोटा पॉपअप भी खुल के आता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से आप लोगों को सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल के अंदर ब्रीफ है एंड डिटेल्ड है, आपके हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर पाओगे। देखिए, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है, कोई भी एनिमेशन के साथ नहीं आता है, लेकिन आप नोटिफिकेशन पॉपअप आप स्टाइल के अंदर आके यहाँ पे एज लाइटिंग स्टाइल के अंदर आके यहाँ पे देखिए स्टाइल चुन पाओगे। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, बैकग्राउंड में इस तरीके से कुछ लाइटिंग होगा, बहुत सारे लाइटिंग का ऑप्शन दिया है, कोई भी लाइटिंग को आप चुन सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन के चारों ओर एक लाइट वगैरह आप लोगों को दिखाई देगा, तो इस तरीके से करना चाहते हो तो सिलेक्ट कर लेना, जो कि एक कूल लुक देता है। देखिए, इस फोन के लॉक स्क्रीन में ना हर एक नोटिफिकेशन शो करता रहता है, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, यहाँ पे आके हाइड कंटेंट कर दीजिएगा, लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। इस फोन में स्क्रीनशॉट 3 फिंगर से नहीं होता है, आप लोगों को पावर बटन और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद स्क्रीनशॉट हो जाता है। लेकिन स्क्रॉल के ऊपर टैप करोगे तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाओगे, जितना तक चाहिए उतना तक स्क्रॉल करते जाना और यहाँ पे डन कर देना। देखिए, लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। गैलरी के अंदर आके अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आ चुका है। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, फिर भी जो डार्क मोड है वो बढ़िया मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर में आप लोगों को डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप लोग सेटिंग के अंदर जाके जब आप लोग डिस्प्ले के अंदर आओगे ना, यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। यहाँ पे आने के बाद आप लोग डार्क मोड सेटिंग के अंदर आके शेड्यूल कर सकते हो, मतलब कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को डार्क मोड चाहिए। उसके ठीक नीचे आई कम्फर्ट सिल्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। डिस्प्ले का जो कलर है वो टोटली चेंज हो जाता है और ये रातों में ज्यादातर आपके आंखों को मदद करता है। अगर आप रातों में ज्यादा फोन को इस्तेमाल करते हो, इसको इनेबल करके फोन को इस्तेमाल करना, आपके आंखों को उतना ज्यादा दर्द नहीं पहुंचेगा। इस फोन में नॉक सिक्योरिटी का फुल वर्सन मिलता है, उसके वजह से यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, बाय डिफॉल्ट वो हाइड रहता है। उसको इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर में आके स्वाइप कीजिए, 3 डॉट के अंदर आइए, यहाँ पे आप लोगों को एडिट
बटन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे ड्रॉ करके नीचे की तरफ लेकर आ जाइए, सिक्योर फोल्डर दिखाई देगा। यहाँ पे सिक्योर फोल्डर को इनेबल कर दीजिएगा। कुछ कंटिन्यू वगैरह करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ ईमेल आईडी वगैरह देगा, साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद सिक्योर फोल्डर इनेबल हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल देता हूँ, सिक्योर फोल्डर में अंदर जाके ना अब एक अलग सा अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देखिए बाहर में जो सारे फोटो एप्लीकेशन वगैरह रहेगा वो तो अलग है, लेकिन सिक्योर फोल्डर में एप्लीकेशन या फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आप सिक्योर कर सकते हो और किसी भी बंदे को पता ही नहीं चलेगा सिक्योर फोल्डर के अंदर क्या हो रहा है। कमाल का फीचर है, सिक्योर फोल्डर को आप यूज कर सकते हो। कई बार हम लोग ब्राइटनेस को लो कर देते हैं फिर भी लगता है और भी थोड़ा सा लो होता तो मजा आ जाता, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। इस फोन में अभी पॉसिबल है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में 3 डॉट के अंदर आने के बाद यहाँ पे एडिट बटन के अंदर आ जाना, एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन दिखाई देगा, टैप करके नीचे की तरफ लेकर आ जाना और यहाँ पे डन कर देना। अभी देखिए एक्स्ट्रा डिम के ऊपर टैप करने के बाद स्क्रीन का जो लाइट है वो और भी डिम और भी लो हो गया है और बहुत मदद करता है। मैं रातों में इसको ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इस फोन में सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आ जाना है। एडवांस फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे डुअल मैसेंजर का ऑप्शन दिखाई देगा। जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन रहेगा उसको आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। एडवांस फीचर्स के अंदर मोशन एंड जेस्चर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे तरह तरीके का फीचर्स है, जैसे कि लेफ्ट टू राइट। बेसिकली फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठा लेते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाता है। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, ये दो फीचर्स को इनेबल करने के बाद होम स्क्रीन में डबल टैप करने से स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाता है, फिर से डबल टैप करने से स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग, बेसिकली इसको इनेबल करने के बाद जब आप फोन की तरफ देख रहे हो तो फोन डिटेक्ट करेगा और फोन का जो स्क्रीन का लाइट है वो बंद नहीं होगा। ये कमाल का फीचर्स है, प्रीमियम फीचर्स है, यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको इनेबल करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल को आप कंट्रोल कर पाओगे फिंगरप्रिंट से। कमाल का फीचर है। एडवांस फीचर्स के अंदर यहाँ पे वन हैंड मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको इनेबल करने के बाद वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से करोगे तो वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा, आप एक हाथों से फोन को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। और इसको डिसेबल करने के लिए यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर दीजिएगा यहाँ पे टैप करके और ये फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एडवांस फीचर्स के अंदर साइड की का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। देखिए डबल प्रेस करोगे ना ये पावर बटन को लॉक स्क्रीन में तो यहाँ पे कैमरा पैन हो जाएगा, या तो आप ओपन ऐप में आके बहुत सारे एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली मैं ना यहाँ पे फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। अभी ना मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन में डबल टैप करूंगा पावर बटन को, लॉक स्क्रीन आएगा, ओपन करूंगा, ऑटोमेटिकली देखिए फेसबुक ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप साइड की का इस्तेमाल कर सकते हो। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, देखिए बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है, उसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले के अंदर आ जाना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा मोशन एंड स्मूथनेस, यहाँ पे देखिए 60 हर्ट्ज रहता है, आप लोगों को 90 हर्ट्ज को इनेबल करना पड़ेगा। डिस्प्ले के अंदर और भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा नेविगेशन बार। इसके अंदर आके देखिए यहाँ पे जो बटन यूज कर रहा हूँ ना, इस बटन को गायब करके जेस्चर्स को इनेबल कर सकते हो, बहुत सारे लोग जेस्चर्स इस्तेमाल करता है। एज पैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। देखिए एक बार खुल के आएगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे शॉर्टकट में एप्लीकेशन दिखाई देगा, पेंसिल के ऊपर टैप करके बहुत सारे एप्लीकेशन को यहाँ से ही आप लोग ऐड कर पाओगे और यहाँ से ही डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर पाओगे। एज पैनल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करता है। यहाँ पे एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी दिखाई देगा, बेसिकली इसको इनेबल करने के बाद अगर आपके पॉकेट में फोन रहता है, कई बार क्या होता है एक्सीडेंटली टच के वजह से फोन रिसीव हो जाता है पॉकेट के अंदर, लेकिन ये इनेबल रहेगा और ये सेंसर ढका हुआ रहेगा तो ये फोन में टच ही नहीं होगा। टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। कई बार हम लोग टेम्पर ग्लास वगैरह लगाते हैं और उसके ऊपर से ठीक ठाक टच नहीं होता है, लेकिन इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद टेम्पर ग्लास लगाने के बाद जब आप लोग यूज करोगे तो स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, लैगिंग इशू नहीं मिलेगा। तो एक कमाल का फीचर्स सैमसंग हमारे फोन में दिया है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आप लोगों को आना है, यहाँ पे आप लोगों को फाइंड माई डिवाइस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जाके आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर यहाँ पे साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट में जाके जो ईमेल आईडी देकर साइन इन करोगे उस ईमेल आईडी के जरिए इस फोन को बहुत आसानी से आप लोग ढूंढ पाओगे। इतना ही नहीं, प्राइवेसी के अंदर आने के बाद परमिशन मैनेजर के अंदर आने के बाद कौन सा फीचर्स किस चीज के लिए परमिशन दे रहा है सब कुछ यहाँ पे नोट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कॉन्टैक्ट्स का परमिशन 8 एप्लीकेशन ले रहा है, यहाँ पे जीमेल, मीट, मैसेज, फोन कॉल, यहाँ पे कैलेंडर वगैरह। अगर आप लोगों को लगता है कोई भी एप्लीकेशन बेकार का परमिशन ले रहा है तो उस एप्लीकेशन के अंदर जाके डोंट अलाउ करके डोंट अलाउ एनीवे कर देना। देखिए उस एप्लीकेशन जिस चीज का परमिशन आप ब्लॉक करोगे वो परमिशन कभी भी नहीं लेगा। इस फोन में कोई भी पिक्चर को हाइड करने के लिए देखिए गैलरी के अंदर आप लोगों को आ जाना है और जो पिक्चर को आप हाइड करना चाहते हो उस पिक्चर के अंदर आ जाना है। 3 डॉट के अंदर आना है, यहाँ पे मूव टू सिक्योर फोल्डर कर देना है। जो पिक्चर है वो सिक्योर फोल्डर के अंदर आ जाएगा और आपका जो पिक्चर है वो हाइड हो जाएगा। देखिए एक बार स्वाइप
करने से यहाँ पे ना नोटिफिकेशन ड्रॉयर आता है, लेकिन आप एक बार स्वाइप करने से जो नोटिफिकेशन ड्रॉयर आ रहा है इसको बंद भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जाने के बाद यहाँ पे डिस्कवर का ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ पे बहुत सारे बेकार जो ऐड है वो शो करता रहता है। तो सारे फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए होम स्क्रीन में टैप करके रखिए, सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को गूगल डिस्कवर को बंद करना है और उसके बाद यहाँ पे डिस्कवर को भी बंद कर देना है। साथ ही साथ ये जो स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल है इसको भी आप लोगों को बंद कर देना है। अभी देखिए स्वाइप करने के बाद यहाँ पे ऐप ड्रॉयर आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन पैनल नहीं आ रहा है और नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जो डिस्कवर का ऑप्शन था वो भी गायब हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो।